आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तासिकंदा क्षेत्र में दिन दहाड़े 11 लाख की लूट में पुलिस बदमाशों के करीब पहुंच गई है। बताया गया है कि मथुरा का गैंग पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से रकम लूट कर ले गया था। अधिकारियों ने तेज तर्रार इंस्पेक्टरों को खुलासे के लिए लगा दिया है। थाना सिकंदरा रुनकता में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से दिन दहाड़े हुई 11 लाख की लूट का खुलासा करने के लिए अधिकारियों ने तेज तर्रार इंस्पेक्टर्स को लगाया है। सुधीर फिलिंग स्टेशन के कर्मचारी शेषवीर और मनोज कुमार स्टेट बैंक में कैश जमा करने जा रहे थे, उसी समय बाइक सवार तीन बदमाश रकम लूट कर भाग गए। एसपी सिटी विकास कुमार का कहना है कि मामले में अलग अलग बिंदुओं पर जाँच की जा रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर सभी तरह से उसकी विवेचना कर रहे हैं। रुनकता में दिन दहाड़े हुई लूट के खुलासे के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी कैमरे खंगालने के साथ सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा है। बदमाश रुपए लूटने के बाद मागरोल नेहरा के जंगल की तरफ भाग गए थे। बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद बदमाश शाकिर नाम के युवक की बाइक लूट कर भागे थे। हम तो जो हमें फैक्ट मिलेगा वही हम बोल पाएंगे, और अभी हम यही कह सकते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस टीम सीसीटीवी खंगाल रही है, पूरे रास्ते में सर्विलांस की मदद से इस केस को खोलने का प्रयास कर रही है। हम सभी तथ्यों पे जांच कर रहे हैं, अभी तक कुछ कह पाना मुश्किल है। छत्ता क्षेत्र से चोरी की गई बाइक से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर तस्वीर निकलकर सामने आ गई। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से रकम लूटने वाला गैंग मथुरा का बताया जा रहा है। जल्द ही शातिर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।